50 खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। 10 जनपद सोनिया गांधी के घर पर इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, साथ ही आनंद शर्मा। और ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड घूस मामले को लेकर आज संसद में बीजेपी कांग्रेस को घेरेगी। चाहे वो लोकसभा की बात हो जहां मीनाक्षी लेखी इस मुद्दे को उठाएंगी, तो वहीं राज्यसभा जहां पर इस मुद्दे को उठाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस यहां से किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि बीजेपी की तैयारी यह है कि सीधे सीधे सोनिया गांधी को घेरा जाएगा इस मसले पर। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, क्या कुछ इस वक्त 10 जनपद पर चल रहा है? ये देखिए, 10 जनपद पर मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा के नेता, आनंद शर्मा राज्यसभा के नेता, रणदीप सुरजेवाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अहमद पटेल, ये जो अहम नेता हैं ये वहाँ पर सोनिया गांधी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में क्या रणनीति हो और किस तरीके से अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर पलटवार किया जाए, इस पर रणनीति बन रही है। और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलेगी और उसका ये कहना है कि उस कंपनी जो हमने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, उसको आपने ब्लैकलिस्ट की सूची से क्यों हटाया और एक उद्योगपति के साथ क्यों एमओयू साइन हुआ। नहीं, हम जो आज एक अर्जेंट नोटिस देने वाले हैं चर्चा के लिए, देखेंगे। एक तो हमारा यह है कि आज के न्यूज़पेपर में जो हिंदू में अगस्त वेस्टलैंड के बारे में जो आया है, तो उसके लिए और जो भी न्यूज़पेपर में बहुत सी गलत चीज़ें जो फैलाई जा रहे हैं उसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते हैं। बीजेपी रेज करेगी अगस्ता का, किस तरह से काउंटर? अरे हम खुद ही तैयार है दोनों रेज करने का। अगस्ता पे डिबेट वो हाउस में कहेंगे। ओके, वी आर रेडी। अगस्ता पे चर्चा के लिए तैयार है कांग्रेस, राइट? तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यह कि अब तक उत्तराखंड सूखा, महंगाई, इन तमाम मुद्दों के साथ जो कांग्रेस पार्टी सदन में आक्रामक थी, आज बैकफुट पर दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी इस चक्रव्यूह के साथ आज उतरेगी जिसमें कांग्रेस को फंसाना मकसद होगा। अगस्ता वेस्टलैंड मामला जिस पर इटली की कोर्ट ने अहम फैसला दिया है और घूस लेने की बात स्वीकार की गई है, बीजेपी पूरी तरह से तैयार। लेकिन इस बीच 10 जनपद पर जो बैठक चल रही थी सोनिया गांधी के घर पर, वो बैठक भी खत्म हो गई है। बीजेपी की क्या रणनीति आज के दिन संसद में होगी, इस पर ज्यादा जानकारी दी संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत, दो अहम बातें यहां पर हैं। एक तो अगस्ता वेस्टलैंड डील का मामला जिस पर सरकार को और जानकारी इटली से चाहिए होगी, जिसको मंगाने की तैयारी भी हो रही है, और दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में किस स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी उतरेगी ये देखना होगा। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं इस वक्त? देखिए मीनाक्षी, कल सरकार की तरफ से और तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से इस बात के संकेत थे कि चाहे अगस्ता वेस्टलैंड का चौपर डील का मामला हो या फिर दूसरे मामले हों, उन पर सरकार को घेरा जाएगा। कुछ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि इस मामले में किसी को बख्शने के मूड में नहीं है सरकार, और इसीलिए तब बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उन्होंने इस मामले को राज्यसभा और लोकसभा में उठाने की तैयारी की है। सुब्रमण्यम स्वामी जो नए चुनकर आए हैं राज्यसभा में, वो आज राज्यसभा में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर जो स्कैम का मामला है उसको राज्यसभा में उठाएंगे। इसके अलावा लोकसभा मीनाक्षी लेखी बीजेपी की तरफ से इस मामले को उठाएंगी। और भी मामले हैं, चाहे जो कांग्रेस को घेरने की बात बीजेपी कर रही है, मैक्सिस डील है जिसमें चिदंबरम पूर्व वित्त मंत्री के बेटे शामिल हैं, उनको वो मामला उठाने की बात की जा रही है। इसके अलावा गुजरात का मामला है, तो ये खासतौर से अगस्ता वेस्टलैंड जो वीवीआईपी चौपर डील का मामला है उसको लेकर आज बीजेपी के तमाम नेता आक्रामक हैं और कोशिश ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कांग्रेस को घेरा जाए। शुक्रिया मंजीत आपका इस जानकारी के लिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए भी हम। तो एक तरफ संसद में आज हंगामेदार दिन रहेगा, अगस्ता वेस्टलैंड का मामला छाया रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ सूखा एक ऐसा मसला जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त त्रस्त है। एक किसान ने किया खुदकुशी, दिखाएंगे आपको। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।